में ऐसा कुछ बात आती रहती है जो मैं सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। और जैसे ये बटन से दो मिनट देता, थोड़ा मैं जला, इसलिए मैं गोरा हूं इसके लिए। सर जैसे अभी क्या है कि हमारे देश का मुद्दा मेन यही है कि एजुकेशन और मेडिकल जो इतना महंगा हो चुका है, एजुकेशन एंड मेडिकल, कि जिससे 10 साल 5 साल बाद बहुत हालत खराब हो जाने वाली है देश की, तो इससे राहत पाने के लिए हमारे मन में एक ऐसा सुझाव आया है जो मैं सरकार को बोलना चाहता हूँ कि जैसे 140 करोड़ की जनसंख्या है देश की, तो लगभग 100 करोड़ लोगों का तो बैंक में अकाउंट होगा ही। और बोलो कैसे हो, 100 करोड़ लोगों का तो होगा ही बराबर अकाउंट। तो जितने लोगों का अकाउंट है, मैं चाहता हूँ भारत सरकार रोज का 1 रुपये लिया करे हमसे। वो जो टैक्स लेती, जीएसटी लेती, वो सब अलग मैटर है, इसका 1 रुपये रोज का लेवे। और 100 करोड़ रुपए सरकार के खाते में जानी चाहिए, तो महीने का 3000 करोड़ रुपए होता है, और उसी पैसे से आम जनता को, हम जैसे लोगों को, एजुकेशन मेडिकल में पब्लिक को राहत दे सकती है। और रही बात जो इंटरनेशनल कर्जे है देश के, जो बाहर देश से लिया गया है, उस कर्जा मुक्त होना है, तो मोदी जी से अपील है कि पेट्रोल पे 3 दिन के लिए सिर्फ 3 रुपए बढ़ा करके आप हमसे पैसा ले लो, 3 दिन के लिए, ज्यादा दिन के लिए नहीं, 3 दिन के लिए। सर अगर पेट्रोल पे 3 रुपए बढ़ा दिया जाए ना, तो इंटरनेशनल कर्जा खत्म हो सकता है। तो मोदी जी प्लीज इस बात पे ध्यान दो, और आप इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे काम करो, लेकिन आपके नीचे वाले नेता ध्यान नहीं दे रहे, तो प्लीज इस पे भी आपको ध्यान देना, नहीं तो 24 में बहुत तकलीफ आ सकती है, और मुझे बहुत पीड़ा होती है जब आपकी सरकार कहीं कहीं गिर जाती है। जय श्री राम, वंदे भारत।